हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी ये 05S फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी है 05S फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में रनिंग जो भी बैकग्राउंड रनिंग एप्स होते हैं, तो बैकग्राउंड रनिंग एप्स को आप कैसे बंद कर सकते हैं या फिर कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि रनिंग एप्स को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं या बंद कैसे कर सकते हैं, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो इसमें से आपको जाना होगा सबसे पहले तो अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पे जाकर आपको यहाँ से ऑप्शन दिख जाएगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, जहाँ से बिल्ड नंबर पे टैप करना है 3 से 4 बार। डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। जब आप डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेते हैं तो डेवलपर सेटिंग्स पे चले जाना है। इस पे जाकर आप रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स को ऑफ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपको स्लाइड करना है और यहाँ से जाकर आपके पास ऑप्शन आ जाए, इसमें देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ रहा है डोंट कीप एक्टिविटीज़, जो भी ऐप्स की एक्टिविटीज़ होती है उसको आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से भी इसको ऑन करके, या फिर अपने बैकग्राउंड को यहाँ से ऑफ कर दें। तो जो भी आपके फ़ोन की बैकग्राउंड की रनिंग लिमिट होती है, रनिंग ऐप्स बैकग्राउंड होते हैं, उसको आप इसके ज़रिए भी ऑफ कर सकते हैं और जो भी आपके रनिंग बैकग्राउंड होंगे आपके ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स को बंद कर सकते हैं इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस करके, और रनिंग ऐप्स आपके फ़ोन में बंद हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।